मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शहीद अमृता देवी पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम मोहन ने शहीद अमृता देवी को नमन करते हुए कहा कि पर्यावरण के लिए विश्नोई समाज की मिसाल अद्भुत है, इंदौर धन्य है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पेड़ों को बचाने वाली, पेड़ों से चिपक कर अपना सिर कटाने वाली शहीद अमृता देवी विश्नोई की प्रतिमा और पार्क का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने मंच से पर्यावरण को लेकर विश्नोई समाज की शहादत का किस्सा सुनाया। दौरान सीएम मोहन यादव ने शहीद अमृता देवी को नमन करते हुए कहा कि कोई अपना नाखून कटाने पर उछल पड़ता है और अमृता देवी और समाज ने हंसते हंसते पेड़ से चिपक कर अपना बलिदान दे दिया। धन्य है ऐसी माँ और ऐसी बेटियां, आज इंदौर धन्य हुआ। मेरा बस चले तो मैं मातृ दिवस की घोषणा कर दूं, जो माता अपने बच्चों के लिए शहीद हो जाए, इससे बड़ा कौन सा दिवस हो सकता है। लेकिन परमात्मा की दया से ये मौसम का चक्र क्यों बना हुआ? आज भी दुनिया के लोग भारत के इस मौसम चक्र के कायल हैं। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहां 6 ऋतु और तीनों मौसम, जहां हमारे अपने सूर्यनारायण देवता हर मौसम का अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि परमात्मा की दया से प्रकृति का यह अनुपम देन सच्चे अर्थों में ये हमारे पेड़ पौधे ये ऋषि मुनि के समान है, अपने अपने स्थान से, जिनको अपने खुद के जीवन से जितना कोई लगाव होगा न होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में ये पूरी प्रकृति के लिए जीते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, इसलिए वन से जीवन है। मैं आज के अवसर पर शहीद अमृता देवी ने कितना उस समय का ये त्याग है, और उस परंपरा में वैष्णव समाज तो दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो आपकी मिसाल है। यह वाकई अद्भुत है। कहना सरल है, कोई अपना नाखून कटाए तो नाखून कटने में जरा सा आगे पीछे कटर उससे तकलीफ हो जाए तो आदमी उछल पड़ता है, हंसते हंसते पेड़ से चिपक करके अपना बलिदान दे दे। और धन्य माँ और धन्य माँ की दोनों बेटियां, इसी कारण से अपना भारत दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है। और केवल वो नहीं, वैसे धन्य गुरु महाराज जिनने कहा कि पेड़ के बजाय सर सस्ता, कितनी बड़ी बात है। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज भी वन का इतना महत्व। 300 साल पहले तो और भी वन थे, आबादी बहुत कम थी, लेकिन ऐसे समय पे भी इतनी बड़ी सीख वो दे गए। तो आप वाकई, आपका ये जो अपना अभियान है, हमारे ये भामाशाह जो प्रतिमा देते हैं, जोरदार अभिनंदन इनका हमारे महाराष्ट्र वाले वैष्णव बंधुओं का भी करिए, क्योंकि ये बात सही है। सरकार के माध्यम से ये व्यवस्था जुटाना सरल है, लेकिन अपनी निजी पूंजी से एक उत्कृष्ट काम करना, मैं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और आज इंदौर धन्य हुआ है। हमने कई प्रतिमाएं लगाई, कई बड़े बड़े काम किए, कई सारे काम किए, लेकिन वर्षा ऋतु के माध्यम से आज जो अपन बीच में से एक नया करवट बदलता इंदौर, यद्यपि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ऐसे सारे मामलों में जाने अनजाने हमसे कई बार गलती हो जाती है। मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। कुल मिलाकर इंदौर में शहीद अमृता देवी की याद में बनाया पार्क न सिर्फ विश्नोई समाज की शहादत को याद दिलाता रहेगा, बल्कि लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।